तिगरा में हुई महापंचायत का असर अब गुड़गांव में देखने को मिल रहा है। यहां मुस्लिमों को किराए पर अपनी दुकान और घर दे चुके लोग अब उनसे खाली करा रहे हैं। महापंचायत के बाद सोमवार से किराए पर दुकान और मकान लेकर बैठे मुस्लिमों को तुरंत प्रभाव से दुकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि मेवात और गुड़गांव में हुई हिंसा के बाद जो मुस्लिम व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके माहौल शांत होने के इंतजार में अपने पैतृक गांव गए थे, उन्हें भी दुकान मालिकों ने फोन कर दोबारा यहां न आने के लिए कहा है। हालांकि दुकान में रखे सामान की कुल कीमत पूछकर ये रकम उनके पास भेजने की बात कही जा रही है। ऐसे में गुड़गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों के मन में खौफ बैठने लगा है। महापंचायत के प्रतिनिधियों की माने तो हिंदू समाज ने अब पूर्ण रूप से मुस्लिमों का इकोनॉमिकली बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा होने लगा है। वहीं अब गुड़गांव में हिंदू नाम से चल रही दुकानों पर लोगों की भीड़ लगने लगी है। एक ही सामान की दो दुकान होने के बाद भी लोग अब केवल हिंदू नाम की दुकान पर ही पहुंचकर सामान खरीद रहे हैं।